नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपलसी पेट के इस विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं। इस क्रम में यह वीडियो तीसरा वीडियो, इससे पहले दो वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में उसे देखिए। और ये सभी वीडियो जो है जितने भी एग्जाम वनडे एग्जाम है जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े की वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, मतलब किसके अंतर्गत रेशम कीट का वाणिज्यिक रूप से पालन होता है। तो ये हमारा होता है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर जो होता है यह रेशम कीट से, रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगर हम पिसी कल्चर की बात करें तो पिसी कल्चर हमारा मत्स्य पालन। ठीक है, विटी कल्चर जो है वो अंगूर की खेती, और इसी प्रकार एपिकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन के अध्ययन के लिए हम प्रयोग करते हैं। एपिकल्चर क्या हो गया, मधुमक्खी पालन, बीटी अंगूर की खेती, सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन, और उसके साथ पीसी कल्चर जो है हमारा मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने मतलब तोड़ने के लिए या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्विच। ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्विच। लोग स्विच और फ्यूज में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे स्विच कहा जाता है। जो फ्यूज जो होता है उसको जो हमारे घर में जहां से सप्लाई आती है मेन सप्लाई, उसके पहले वहीं घर से पहले ही लगा दिया जाता है, जिससे यदि घर का कोई भी उपकरण जलता है या वोल्टेज ज्यादा होता है तो फ्यूज जो हो अपने आप गिर जाए, कट जाए और पूरे घर की लाइट खत्म हो जाए। तो पूरे घर की अगर लाइट काटनी होती है तो उसके लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमें किसी एक पर्टिकुलर उपकरण की बिजली काटनी हो या उसमें विद्युत देनी हो तो उसके लिए हम अपने घर में स्विच लगाते हैं। आपके फैन, फ्रिज, कूलर, ठीक है, एसी, हर किसी के लिए अपना अपना अलग स्विच होता है, तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, स्विच। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, थायराइड ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह जो होता है थायराइड ग्रंथि, इसके सामान्य रूप से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि सबसे बड़ी ग्रंथ की बात करें तो सबसे बड़ी यकृत होती है। ठीक है, यह बहिस्रावी ग्रंथ है। अगर मिश्रित ग्रंथ की बात करें तो अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथ है। ठीक है, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है। ठीक, यह मिश्रित ग्रंथ है और दूसरे नंबर की ग्रंथ है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी ग्रंथ पूछी जाए यकृत, ठीक है, दूसरे नंबर की ग्रंथ पूछी जाए, यह ना कही जाए कि अंतःस्रावी या बहिस्रावी, तो अग्नाशय। अगर कहा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो हमारी हो जाएगी थायराइड ग्रंथ। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथ तो पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, तो थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। कल हमने पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, यदि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है जो हमारे हृदय की मसल्स होती हैं वो ढंग से काम नहीं करती हैं। ठीक है, हृदय की मसल को सुचारू रूप से काम करने के लिए हमें पोटेशियम की आवश्यकता होती है। दूसरा, पोटेशियम की आवश्यकता हमें होती है कि यदि हमारी बीपी अगर इसकी कमी हो जाती है, पोटेशियम की जब कमी होती है तो बीपी क्या होती है, हमारी ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, इसकी इसको स्टेबल करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। ठीक है, साथ साथ में आपको लकवा ना मारे इसके लिए भी पोटेशियम की जरूरत होती है। इसलिए जितने भी हृदय रोगी होते हैं उनको कहा जाता है कि आप दिन भर में कम से कम, ठीक है, दिन भर में आप एक सेब जरूर खाइए। ठीक है, उनको सेब खाने की ये सलाह दी जाती है क्योंकि सेब में पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि ध्वनि की अगर चाल हम देखें तो ध्वनि की चाल जो है वो हमारी है 332 मीटर। ठीक है, 332 के 335 होता है मीटर प्रति सेकेंड।
हमारे कान पे जो होता है ध्वनि की जो हमारे कान पर ध्वनि जो होता है 1/10 सेकंड के लिए रुकता है, ठीक है। यदि कोई ध्वनि हमारे कान तक गई तो 1/10 सेकंड के लिए वहां रुकती है। तो कोई भी ध्वनि यदि कहीं से टकरा के आ रही है वह 1/10 सेकंड बाद आ रही है तो हमें सुनाई पड़ेगी, अगर यदि उससे पहले आ जाएगी तो हमें साफ सुनाई नहीं पड़ेगी। तो यदि 1 सेकंड में जाता है 33.332 मीटर, यदि 1 सेकंड में ध्वनि जाती है 332 मीटर, तो इसके 1/10 भाग मतलब 1/10वें सेकंड में कितना जाएगी, तो 33.2 मीटर, ठीक है, 33.2 मीटर जाएगी। यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ समय जैसे यहाँ खड़ा है, इसके सामने ठीक 17 मीटर पे दीवार है, ठीक है, ये दूरी क्या है 17 मीटर है, तो यहां से आदमी बोलेगा, ध्वनि यहां से जाएगी, ठीक है, तो 17 मीटर तय करेगी, यहाँ टकराएगी फिर वापस आएगी, वापस आएगी तो फिर 17 मीटर तय करेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 34 मीटर, 34 मीटर होगी दूरी। और यह दूरी तय करने में कितना समय लगा, 1/10 सेकंड से ज्यादा लग गया, 1/10 सेकंड लग गया। अब जो हमारे कान पे जो हमारा कान था इसके अंदर जो पहली ध्वनि गई थी वो ध्वनि क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ये दूसरी ध्वनि आ गई तो ये ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मतलब एक ध्वनि सुनने के बाद उसी का इको सुनने के लिए हमें कम से कम जो जहां से ध्वनि टकरा के आ रही है उससे 17 मीटर दूर होना चाहिए, उससे हमें 17 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए तभी सुनाई पड़ेगा, नहीं तो पहले वाली ध्वनि हमारे कान में रहेगी ये भी जाएगी तो साफ सुनाई नहीं पड़ेगा। ये कारण है ध्वनि की चाल हमने बताया कितना 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। अगला प्रश्न आ रहा है कि जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है, ठीक है, जेट इंजन संवेग संरक्षण, ठीक है, यह कह रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर हमारा काम करता है। अगला प्रश्न है कि पारद मिश्रण या अमलगम, ठीक है, जिसे अमलगम कहा जाता है, पारे का मिश्रण को या अमलगम को कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक होता है, ठीक है, यदि हम कोई अमलगम बनाते हैं तो उसमें पारा जरूर होता है, ठीक है, पारा, जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर लेते हैं इसमें हम कोई पारा डालते हैं, इसके बाद इसमें कोई और धातु मिलाते हैं, इससे जो मिश्र धातु बनेगी वो हमारी कहलाएगी अमलगम, ठीक है, और हर अमलगम में पारा जरूर होता है, ठीक है, बिना पारे के अमलगम नहीं बनता, जैसे बिना पानी के शरबत नहीं बनेगा, ठीक है, शरबत बनाना है तो पानी आपको लेना पड़ेगा, उसी प्रकार यदि आपको अमलगम बनाना है तो पारा आपको लेना ही पड़ेगा। तो पारा क्या हो गया, तो किसी भी अमलगम का बेस एलिमेंट हो गया, बिना उसके अमलगम नहीं बनेगा। बाकी चांदी की अगर बात करें तो चांदी क्या होता है, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, सबसे अच्छा चालक चांदी है। कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट हमारा पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाती है, घातक रक्तलापता हो जाती है, मतलब घातक एनीमिया हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गतिशील सहनता की SI इकाई क्या है, तो SI यूनिट इसका होता है पास्कल सेकंड, इसी को कहा जाता है डेका पॉइज या कह दें पॉइज, ठीक है, पॉइज भी कहा जाता है। सहनता की SI इकाई, गतिशील सहनता की SI इकाई है। सहनता क्या होती है, जैसे यदि कोई एक पानी जा रही है, ठीक है, पानी पाइप से जा रहा है तो एक परत रहती है उसके ऊपर दूसरी परत रहती है, तीसरी परत होती है, चौथी परत परत के रूप में होती है, तो एक परत दूसरे परत का विरोध करती है, यही जो प्रतिरोध विरोध होता है वही होती है सहनता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइबर विधि के उपयोग करके बनाया जाता है, मतलब हाइबर विधि द्वारा हम लोग क्या बनाते थे, इंटर में हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती थी, ठीक है, हाइबर विधि द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते थे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है 0.03% है, जब इसकी मात्रा और बढ़ती जाती है, अब कहा जाता है कि 0.04 के आसपास हो गई है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जो तापमान सूर्य से धरती पर आ गया, ये तापमान ये गैसें धरती से फिर बाहर वायुमंडल में जाने नहीं देती, इससे क्या होता है हमारी धरती का तापमान बढ़ जाता है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, मेथेन हो गया, ठीक है, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, जलवाष्प हो गया, ये सब गैसें क्या हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसों के रूप में मानी जाती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है
तो हैवर विधि द्वारा हमारा क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी और पानी इसमें हमने घोल दिया, ठीक है, मिट्टी और पानी एक दूसरे को मिला दिया, एक मिनट, ये एक कोई पार्ट है, पात्र है, इसमें पानी था, ठीक है, इसमें पानी था, इसमें हमने मिट्टी मिला दी, मिट्टी मिलाने के बाद इसे चम्मच से हिला दिया तो ये क्या गया, ये आपस में घुल गए। अब घुलने के बाद यदि इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो हम देखेंगे जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी हमारा ऊपर रहेगा, साफ पानी क्या होगा, ऊपर रहेगा। अब ये मिट्टी के नीचे बैठने और पानी के साफ होकर ऊपर आने की जो क्रिया होती है इसी को कहा जाता है अवसादन, ठीक है, इसी को कहा जाता है अवसादन। तो यदि अब क्या करें, हम इसको टेढ़ा कर लें, ठीक है, टेढ़ा करके पानी को एक दूसरे पात्र में हम निकाल लें, ठीक है, पानी को एक दूसरे पात्र में हम निकाल लें और मिट्टी को नीचे बैठे रहने दें तो इस क्रिया को कहा जाता है निस्तारण, ठीक है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है निस्तारण। जब मिट्टी को पानी में घोला गया और मिट्टी जब बैठ रही थी, ठीक है, मिट्टी जब नीचे बैठ रही थी, सेडिमेंट हो रही थी, तो इस क्रिया को कहा गया अवसादन। लेकिन जब बैठ गई और उस पानी को टेढ़ा करके दूसरे पात्र में यदि हम निकाल देते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है निस्तारण। और मान लेते इसमें कुछ पत्तियां भी रही हूं तो पत्तियां तो इसके साथ इसमें आ जाएंगी, इन पत्तियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छननी लेंगे, ठीक है, ये नीचे एक पात्र रखेंगे, ऊपर से इस पानी को डालेंगे तो जो पत्तियां हैं छननी में रुक जाएंगी और नीचे क्या होगा, साफ पानी हमारे बर्तन में आ जाएगा, इस क्रिया को कहा जाता है निस्यंदन। तो इस तीनों क्रियाओं को आप याद रखिएगा। वाष्पन जो होती है, वाष्पन की क्रिया, ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले जिस ताप पर पानी उबलता है, ठीक है, जिस ताप पर पानी उबलता है उस ताप के पहले ही पानी के जो कुछ अणु होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, वे वाष्पित हो जाती है, ठीक है, वे वाष्पित हो जाती है। आप तालाब का पानी या अपने कपड़े का तापमान आप कभी छू के देखे होंगे, वो 100 डिग्री के आसपास नहीं होता, लेकिन आपका कपड़ा सूखता है तो उसमें क्या होता है, जब उनको एनर्जी मिलती है उन पानी के कणों को, जिनकी एनर्जी पहले से ज्यादा होती है, वो उसे छोड़ के वाष्पित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन की क्रिया बॉइलिंग पॉइंट से पहले होती है और ये सतत होती रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम से गर्भित महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम है, जो ये टर्नर सिंड्रोम है, ये क्या है, ये मनुष्य में एक अनुवंशिक बीमारी है, ठीक है, यह क्या है कि अनुवंशिक बीमारी है, इसमें 45 गुणसूत्र औरतों में पाया जाता है, ठीक है, ये मुख्यतः महिलाओं की बीमारी है, ठीक है, ये महिलाओं में होती है, और जिसके अंदर 46 गुणसूत्र होता है वे नॉर्मल होते हैं, जिसके अंदर 47 गुणसूत्र होता है वे क्या कहते हैं, उनको क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम उनको हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर 45 गुणसूत्र होता है उसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, उसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर क्या होता है 47 गुणसूत्र होते हैं उसमें क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम होता है, ठीक है, उनको क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 45 गुणसूत्र होते हैं, यह मुख्यतः महिलाओं में होता है, ठीक है, महिलाओं में होता है, और इसमें क्या होता है, महिलाओं की जो गर्भाशय है, ठीक है, उसका उचित विकास नहीं होता, ठीक है, उनके स्तन चपटे होते हैं, और ये इन महिलाओं को कहा जाता है बांझ, ठीक है, इन महिलाओं को बांझ कहा जाता है, क्योंकि इस गर्भाशय का पूरा विकसित नहीं होता, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनको बांझ भी कहा जाता है। जिनके अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वीर्यफण विकसित नहीं होता, ये पुरुषों में होता है, ठीक है, ये पुरुषों में होता है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, इनका जो वीर्यषण होता है, वीर्यषण ये विकसित नहीं होता, ठीक है, इनमें अपस्तन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, अपस्तन जो होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है नपुंसक, ठीक है, नपुंसक। तो जो मतलब नपुंसक होते, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो ट्रांसजेंडर हमारे होते हैं मेल होते हैं, ठीक है, वो मेल होते हैं, उनमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनका जो वीर्यषण होता है अल्प विकसित होता है, अपस्तन जो होता है इनका विकसित हो जाता है, और ये नपुंसक कहलाते हैं, या ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ये आते हैं, ठीक है।
ये मुख्यतः पुरुष होते हैं, और जो टर्नर सिंड्रोम से गर्भित होते हैं वे महिलाएं होती हैं, उनका गर्भाशय ठीक रूप से विकसित नहीं होता, इनको बांझ कहा जाता है। ठीक है, जिनके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं जैसे हमारे आपके जैसे, इनमें क्या होते हैं 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप या समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, जो कैंसर होता है तो उसके उपचार के लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 क्या करता है, जो कैंसर से पीड़ित सेले होती है, मतलब जो परिपक्व सेले नहीं होती हैं, जो अपरिपक्व सेले होती है उनको ये खत्म कर देता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग हमारा परमाणु संयंत्रों में किया जाता है, परमाणु बम में किया जाता है। ठीक है, प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में, तो ये सब परमाणु बम बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो हमारा कोबाल्ट है ये ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यार की बहुत जरूरत है हमारे हम लोग को, क्योंकि अभी चैनल बहुत छोटा है, दूसरे लोग तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि वह गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है, ठीक है, वह गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति या पीरियाडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, पीरियाडिक मोशन कहा जाता है वैसी गति जो कुछ समय बाद अपने आप को दोहराती है। ठीक है, उसे आवधिक गति कहते हैं। ठीक है, उसे आवधिक गति या पीरियाडिक मोशन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के पथ में किस प्रकार की वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। कोई अगर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश चला, ठीक है, टार्च कोई है, यहाँ से प्रकाश चला, यदि इसके रास्ते में, यदि इसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाएगी तो उसकी छाया क्या होगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे उसकी छाया बनेगी, तो यदि उसके बीच में अपारदर्शी वस्तु रखी जाती तो उसकी छाया बनती है। जैसे हमारे पीछे से लाइट आ रही है और हम आगे खड़े हैं तो हमारी छाया सामने बनेगी। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का रंग किस कारण नीला होता है। तो समुद्री जल का रंग जो नीला रंग का, जो नीले रंग की प्रकाश होता है उसका परकीर्णन हो जाता है। ठीक है, जो अगर हम श्वेत प्रकाश को देखें, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसका जो नीला है बैंगनी रंग होता है उसका परकीर्णन ज्यादा होता है, क्योंकि जिन रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उनका परकीर्णन ज्यादा होता है। तो नीला और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इनका परकीर्णन ज्यादा होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ज्यादा होता है, उनका परकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए जो बत्तियां होती हैं, रेड लाइट बनाए जाते हैं कि आपको दूर से दिख जाए, वो बिखरेंगे नहीं, परकीर्णन होने का मतलब स्कैटरिंग करना, मतलब बिखर जाना, तो वे जो लाल लाइटें होती हैं वो बिखरती नहीं है, तो कहीं भी जल रही होगी, छोटी सी भी जल रही होगी तो आपको सीधी दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर वो नीली लाइट होगी, ठीक है, तो बिखर जाएगी, आपको साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए जो बत्तियां बनाई जाती हैं वो रेड बनाई जाती है, जिससे आपको उनका प्रकाश बिखरे नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि उनका जो होता है तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य या लैम्डा जो होता है ये ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इनमें जो परकीर्णन जो होता है ये कम होता है, परकीर्णन कम होता है, ये हमें साफ दिखाई पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, जब आप शाम के टाइम देखते हैं तो सूर्य हमें लाल दिखता है, सुबह देखते हैं तो हमें लाल दिखता है। कारण क्या है कि बाकी जो रंग होते हैं वो परकीर्णित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन लाल रंग वहां से सीधे हमारे पास तक आता है और हमें शाम को या सुबह के टाइम सूर्य लाल दिखता है। ठीक है, इसीलिए सिग्नल जो होते हैं लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका परकीर्णन नहीं होता। आकाश हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का परकीर्णन हो जाता है, नीले रंग के परकीर्णन होने के बाद क्या होता है, पूरा आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। और समुद्र के पानी में क्या होता है, प्रकाश के जो नीला रंग होता है वो भी परकीर्णित हो जाता है, वो भी हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा, पानी द्वारा नीले रंग का परकीर्णन, पानी जो होता है नीले रंग का परकीर्णन कर देता है, इस कारण समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है। यदि किसी धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त करनी है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण क्या होता है, जो बिलियन होगा, जो धातु जिसका शोधन करना होगा उसको हम लिक्विड फॉर्म में लेंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म लेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे, एक धन, ठीक है, एक ऋण डाल देंगे, तो ये जब इलेक्ट्रोड पड़ने के बाद जब इसमें बिजली जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसे ये टूटेंगे, एक प्लस आयन एक माइनस आयन, तो प्लस आयन जो होगा माइनस की तरफ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस है तो इसमें माइनस प्लस वाला जाके जुड़ जाएगा और यहाँ माइनस वाला आके जुड़ जाएगा, और दोनों को शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध रूप से उसको हम
बाहर निकाल लेंगे। तो विद्युत अपघटनी का प्रयोग किया जाता है कहां पर, जब हमें बिल्कुल शुद्ध किसी धातु को प्राप्त करना होता है तो हम विद्युत अपघटनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद्युत अपघटनी में जो मिश्रण होगा, जो भी दो कंपाउंड जुड़े होंगे और टूटेंगे, टूटने के बाद एक धन आयन बनाएगा कि ऋण आयन, धन आयन और ऋण की तरफ जाके चिपक जाएगा और ऋण आयन धन की तरफ चिपक जाएगा, फिर दोनों इलेक्ट्रोड को निकाल के उस जो भी धातु होगी उसको हम निकाल लेंगे, सबसे शुद्ध होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। ठीक है, मेथेन जो होता है, यदि आपके पास पशु है, ठीक है, पशुओं के जो गोबर होता है उससे मेथेन गैस निकलती है, धान के खेत से क्या होता है मेथेन गैस निकलती है, गन्ने के खेत से भी मेथेन गैस निकलती है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में पत्तियां सड़ती है, क्योंकि इनमें पानी भरा होता है, बरसात के दिन में धान के खेत और गन्ने के खेत होते हैं, तो धान के खेत गन्ने के खेत में पानी भरा होता है, पानी भरने से पत्तियां सड़ती हैं और मेथेन गैस निकलता है। लेकिन अगर गेहूं का खेत दिया होता तो वहां से उतना नहीं निकलता, क्योंकि गेहूं का खेत सूखा रहता है। ठीक है, गेहूं का खेत सूखा होता है, मेथेन गैस नहीं निकलेगा। ठीक है, दलहन में मेथेन गैस नहीं निकलेगा, धान और गन्ने से निकलेगा। जो दीमक होते हैं वो भी नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, उनसे भी मेथेन गैस निकलती है। लेकिन मोटर वाहन से क्या होता है, यहाँ से बाकी प्रदूषक गैसें जैसे SO2 निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन मेथेन गैस मोटर वाहन से नहीं निकलता। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक आपूर्ति में तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। जो सार्वजनिक रूप से हम लोग के घरों में पानी आता है उसका पीएच मान होता है 6.5 से 8.5 के बीच में। तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच 7 होता है। अगर इससे पीएच घटता है तो जो भी द्रव होगा वो अम्लीय हो जाएगा, अगर बढ़ता है तो ये क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। लेकिन जो हमारे घर आता है पानी वो एकदम शुद्ध नहीं होता। ठीक है, वो 6.5 से 8.5 के बीच बैरी करता रहता है। ठीक है, इसी के बीच में वो बैरी करता रहता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पानी के घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके घर में पानी पीने के लिए आता है उसमें अधिकतम कितना PPM आर्सेनिक घुला होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर होगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो 0.005 PPM से ज्यादा नहीं होना चाहिए आर्सेनिक, इससे ज्यादा अगर आर्सेनिक होगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी, आप किसी रेलगाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप एक गेंद अपने हाथ से उछालते हैं, तो पूछ रहा है कि गेंद कहाँ आके गिरेगी। तो यदि एक समान चाल से रेलगाड़ी चल रही, चाहे 60 चाहे 70 चाहे 80 चाहे 120 चाहे 200, तो यदि समान चाल से ये चल रही है रेलगाड़ी, धीमी या तेज नहीं हो रही है, तो यदि आप हाथ से गेंद उछालेंगे तो वह आपके हाथ में ही, यात्री के हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि उस समय आपका वेग भी वही होता है, गेंद का वेग भी वही होता है, सब कुछ एक वेग से चल रहा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है। तो जो हमारी AC करंट होती है, AC मतलब प्रत्यावर्ती को एक दिश मतलब DC में परिवर्तित करने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में बदल देता है। बाकी ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो AC धारा आती है उसी को कम या ज्यादा करके भेजता है। मतलब 11,000 वोल्टेज आ रही है तो आपको ट्रांसफार्मर लगा के आप उसको 400 वोल्ट पे अपने घर में सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, या 11,000 की आ रही है उसको बढ़ाना है तो उसको भी बढ़ा के उसका बढ़ा देता है, 22,000 के आसपास कर देगा, उस क्षेत्र से जाएगा तो धारा का कम लॉस होगा। ठीक है, स्टेबलाइजर क्या होता है, वो भी धारा को घटाता बढ़ाता है। ठीक है, यदि आपके घर वोल्टेज कम आ रहा है, 100 वोल्टेज आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्टेबलाइजर के द्वारा आप उसको बढ़ा के 200 वोल्टेज कर देंगे। तो ठीक है, स्टेबलाइजर का प्रयोग वहां पे किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार तीनों को हमने व्याख्या देखी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपाई प्राणी समूह का नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें स्तनपाई नहीं है, मतलब कौन सा इसमें ह्यूमन कह रहा है, स्तनपाई का मतलब हो गया मैमल नहीं है। ठीक है, स्तनपाई मतलब मैमल नहीं है। तो इसमें जो कंगारू है वो भी स्तनपाई है, क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाता है। हिप्पो पोटामस क्या आते, समुद्र पाया जाता है, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। व्हेल क्या आती है, ये भी दूध पिलाती है, क्योंकि सबके चुचुक होते हैं। लेकिन स्कोलियोडॉन जो होता है ये एक प्रकार की मछली है, इसे कुत्ता मछली कहा जाता है। ये क्या है, ये स्तनपाई नहीं है, ये मत्स्य वर्ग का है। ठीक, ये मत्स्य वर्ग का है। तो स्कोलियोडॉन मत्स्य वर्ग का, बाकी हिप्पोपोटामस व्हेल और कंगारू क्या है, ये स्तनधारी। इसी के साथ जो हमारा एक मछली होती है जिसे सूंस कहते हैं, ठीक है, डॉल्फिन कहते हैं, वो भी स्तन पाई है। ठीक है, संतुलित आहार में किस भोजन से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप संतुलित आहार खा रहे हैं तो किस भोजन से, आपके शरीर को पूछ रहा है। ठीक है, किस भोजन से अधिकतम ऊर्जा मिलेगी। संतुलित आहार खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप तेल ज्यादा मात्रा में खा रहे, मतलब सब कुछ एक
बराबर डाइट में खा रहे हैं तो आपके शरीर को संतुलित आहार जब आप ले रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि यदि आप प्रति ग्राम के हिसाब से देखें तो प्रति ग्राम अगर वसा आप खा रहे हैं तो 9.5% के पास आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है, किलो के 9.5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यदि आप प्रोटीन खा रहे हैं तो 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम मिलती है, लेकिन यदि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो भी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा आपको मिलती है। ये प्रति ग्राम की बात रही, 1 ग्राम की। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो आपके भोजन में आपका जो अगर संतुलित आहार है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी। कुल मिला के आप एक दिन में यदि आप 250 ग्राम चावल खा रहे हैं तो उसके सापेक्ष में आप फैट कितना ले रहे होंगे, 10 से 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम आप फैट ले रहे हो, तो इससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट यदि आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण का काम करता है, ठीक है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ये सेल निर्माण में ये भाग लेता है, ठीक है, सेल निर्माण में भाग लेता है। इसलिए कहा जाता है 0 मतलब 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी, क्योंकि उनका विकास हो रहा था, उनमें सेलें बन रही थी, यदि आप प्रोटीन नहीं दोगे तो उनके सेल डेवलप नहीं होंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। जो रक्त स्कंदन विकार, रक्त का जमना बंद हो जाए, ठीक है, यदि आपको चोट लगी आपका खून बहता रहे, ये किसके कारण होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन फ्लोक्यूनोन, ठीक है, फ्लोक्यूनोन का मतलब होता है विटामिन के जो होता है उसका नाम रासायनिक नाम क्या, फ्लोक्यूनोन है। तो इसकी यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कट लगने के बाद, घाव होने के बाद हमारे घाव जल्दी भरते नहीं है। और रेटिनॉल का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल एक रासायनिक नाम है, इसको कहते हैं विटामिन ए। टोकोफेराल जो है वो विटामिन ई, और कैल्सीफेराल विटामिन डी। इसका नाम याद रखने के मैंने तरीका आपको बताया था, हमने कहा था विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, रतौंधी आंखों में होता है, आंख में रेटिना होती है, इसके आधार पर इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, विटामिन ए का रेटिनॉल। दूसरा बताया था विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हमारी हड्डियां सूख जाती हैं, ठीक है, और इस कारण हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो कैल्शियम के नाम से इसका नाम हो गया कैल्सीफेराल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, कैल्सीफेराल। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी जिसके अंदर होता है वो बच्चों को जन्म करने में दिक्कत आती है, इनको बांझपन की शिकायत होने लगती है विटामिन ई की कमी के कारण, तो जो बांझ हो जाती है सीरिया उनको लोग उनके काम ज्यादा टोका टाकी करते हैं, ठीक है, कोशिश ये होती है कि वो हमारा घर छोड़ के चली जाए। तो विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बांझपन का रोग होने लगता है, तो फिर उनके काम में टोका टाकी होता है, इसलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल, ठीक है, इस प्रकार आप याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन की का फ्लोक्यूनोन आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देखें कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। क्षय रोग मतलब क्षय तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं, ठीक है, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक नाम से अगर पूछा जाए तो भी आप समझिए क्षय रोग ही है। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है, BCG का, जिसका पूरा नाम होता है बेसिलस कालमेट्योर, लिख देते हैं बेसिलस कालमेट्योर क्यूरिन, ठीक है, BCG का टीका आपको दिया जाता है, ठीक है, BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, BCG का। DPT जो होता है इसमें 3 टीके होते हैं, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए आपको दिया जाता है DPT का टीका दिया जाता है, ठीक है। DT का डिप्थीरिया और टिटनेस से बचने के लिए DT का टीका दिया जाता है, और टिटनेस और टिटनेस टोक्साइड, ठीक है, टिटनेस टोक्साइड इसका नाम है, टिटनेस से बचने के लिए केवल आपको TT का टीका दिया जाता है। यदि आपको कट लग गया केवल टिटनेस से आप बचना जाता है तो आपको TT का टीका लगा दिया जाएगा, डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों से बचना है तो DT का, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों से बचना है तो आपको DPT का लगाया जाता है, यदि आपको क्षय रोग से बचाना है तो BCG का टीका आपको दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों, आज का जो सेशन था यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर
अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।